प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम ट्रायंगल्स के अंतर्गत कांजुरेंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इक्वल टू आर क्यू एंड एंगल एक्स इक्वल टू वाई, प्रूव दैट बी पी इक्वल टू ए आर। यानी हमें प्रूव करना है बच्चों कि ये जो बी पी की लेंथ है ए आर के लेंथ के इक्वल है। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, हमें सिद्ध करना है प्रूफ दैट बीपी इक्वल टू ए आर। आइए ट्रायंगल्स में देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, है ना। एक ट्रायंगल है पी क्यू बी और दूसरा ट्रायंगल है आर क्यू ए। अब इस ट्रायंगल में देखिए, पी क्यू बी में इस ट्रायंगल्स में ये एंगल वाई क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल है। Y is the exterior angle. तो इस एंगल, ये जो exterior angle है, इसका sum two interior opposite angles Q और P के equal होगा। Similarly, in triangle RQA में X is the exterior angle. तो ये X exterior angle है, तो इस angles का sum जो है angle Q और R के बराबर होगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. पहले हम लिखेंगे, we know that we know that the exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angle. क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक, तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए क्यू बी या ए क्यू, हाँ पहले हम ट्रायंगल लेते हैं बच्चों ए क्यू आर। इन ट्रायंगल ए क्यू आर, अब इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या है? पी ए क्यू। यानी हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? ए क्यू आर। इसमें पी ए आर ये कौन सा एंगल है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल पी ए आर इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? एंगल पी ए आर इज द एक्सटीरियर एंगल और ये किससे डिनोट है? यक्स से। तो इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा पी ए आर किन किन एंगल के सम के इक्वल होगा? एंगल क्यू और एंगल आर। ठीक है, तो यहां पे एंगल क्यू लिख देते हैं प्लस एंगल ए आर क्यू लिख देते हैं। क्लियर? यस सर। यानी ये रिप्रेजेंट है बच्चों एंगल एक्स, तो यहाँ पे एंगल एक्स लिख देते हैं। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल ए आर क्यू, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू में वाई इज द एक्सटीरियर एंगल।
हैं, इन ट्रेंगल बी क्यू पी एंगल पी बी आर, पी बी आर, पी बी आर इज द एक्सटीरियर एंगल, क्लियर? तो जब ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों तो क्या होगा, यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे y इक्वल टू क्या होगा, एंगल q ऑलरेडी कॉमन बोथ ट्रायंगल, एंगल बी पी क्यू, समझ में आया भाई? y हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है एंगल p और एंगल q के क्या होगा, सम के इक्वल होगा, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर? अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बट यहां पर लिखेंगे कंडीशन दिया गया है, बट एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, ये क्या है बच्चों, गिवन है, ये गिवन है, ठीक है? तो यहां पर लिख देंगे एंगल क्यू प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल बी आर क्यू, बी पी क्यू, सॉरी बी पी क्यू, क्लियर? अब इसमें क्यू से क्यू क्या होगा बच्चों, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, इसको हमने कैंसिल कर दिया, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। मिटा दें? यस सर। किया था, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक स्टेप, एंगल क्यू क्या लिखा था, एंगल क्यू प्लस एंगल ए आर क्यू, क्या लिखा था, ए आर क्यू इक्वल टू फिर एंगल क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, बी पी क्यू, ये लिखा था? Yes, sir. अब इसमें एंगल क्यू से एंगल क्या है, क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो आया एंगल ए आर क्यू इक्वल एंगल बी पी क्यू, क्लियर? Yes, sir. अब हम बच्चों दो ट्रेंगल लेंगे, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, बी पी क्यू एंड ट्रेंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू, क्लियर? हमने दो ट्रेंगल ले लिया, अब पहली कंडीशन इसमें बी पी क्यू, बी पी क्यू इस ट्रेंगल का बी पी क्यू इसके इक्वल है ए आर क्यू के, भाई ये है ना, यहां पर लिख दे रहे हैं प्रूव एच, अभी एच में हमने क्या किया है, प्रूव किया है, क्लियर? और एंगल क्यू इज द ऑलरेडी कॉमन, एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एंगल क्यू कॉमन, क्लियर? यस सर। अब क्या बच रहा है, पी क्यू है ना, पी क्यू जो है किसके इक्वल हो जाएगा,
पी क्यू, पी क्यू जो है क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। समझ में आया? यस सर। ये क्या है? गिवन है। ये भी क्या है बच्चों? गिवन है। तो ट्रायंगल बी पी क्यू कांग्रुएंट ट्रायंगल ए आर क्यू, क्लियर? किससे हुआ ये? बाई एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कांग्रुएंस, रूल ऑफ कांग्रुएंस सी ओ एन जी आर यू ई एन सी। क्लियर? हम कह सकते हैं डियर फोर, डियर फोर एंगल बी पी सॉरी साइड बी पी इक्वल टू साइड ए आर। ये कैसे आया बच्चों? सी पी सी पी सी टी से, क्रॉस बाउंडिंग पार्ट ऑफ कांजुरेंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया ना? यस सर। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। देखिए पहले कंडीशंस क्या है इस ट्रायंगल्स में, देखिए बच्चों ट्रायंगल ए क्यू आर में एक्स इज द एक्सटीरियर एंगल। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल क्यू और एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन इन ट्रायंगल क्यू आर ए, इन ट्रायंगल क्यू बी पी वाई इज द एक्सटीरियर एंगल, है तो एंगल पी और एंगल क्यू के सम के बराबर वाई हो जाएगा। तो फिर इन दोनों इक्वेशंस का हम क्या करेंगे? इक्वेशन बन जाए, दोनों इक्वेशंस का कंपेयर करा देंगे। तो क्यू क्यू क्या होगा बच्चों? कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। क्लियर? फिर ए आर क्यू इक्वल टू बी पी क्यू ये इक्वल हो जाएंगे, यानी ए आर क्यू यानी ये एंगल जो है इस एंगल्स के क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन हम ट्रायंगल लेंगे बी पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल लिए ए आर क्यू, तो एंगल पी जो है एंगल आर के इक्वल, क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन एंगल क्यू इज द ऑलरेडी कॉमन। तीसरी कंडीशन पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इज गिवन। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कांग्रुएंट एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कांग्रुएंसी से। तो हम कह सकते हैं वी से दैट बीपी इक्वल टू ए आर, यानी बीपी जो है ए आर के इक्वल है। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ए बी सी डी जे स्क्वायर, ए बी सी डी हमारा क्या है? एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक वर्ग है। यम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यम जो है साइड ए बी का मिड पॉइंट है, यम साइड ए बी का मध्य बिंदु है। पी क्यू कह रहा है पी क्यू इज एनी लाइन सेगमेंट, पी क्यू इज एनी लाइन सेगमेंट थ्रू यम जो यम से होकर जा रही है, विच मीट ए डी एट द पॉइंट पी एंड क्यू प्रोड्यूस्ड सी बी एट द पॉइंट क्यू। ठीक है, प्रोड्यूस्ड एस क्यू, प्रूव दैट यम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू।
तो हमें बच्चों प्रूव करना है कि यम पॉइंट जो है पीक्यू का भी मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है, यानी लाइन सेगमेंट पीक्यू का यम जो है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ये हमें प्रूव करना। तो इसमें पहली कंडीशन बच्चों हम ये जानते हैं कि ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये भी बच्चों कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? 90 डिग्री का है। ईच स्क्वायर एंगल इज द 90 डिग्री। एनी स्क्वायर ईच एंगल इज द 90 डिग्री। ये 90 तो ये भी 90। क्लियर? यस सर। कोई परेशानी? यानी एंगल ए हमारा 90 डिग्री का है, तो एंगल बी भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। दूसरी कंडीशन इसमें क्या कह रहा है? यम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दिख रहा है ना? यस सर। यम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ए पी एम एंड क्यू बी एम में। पहली कंडीशन ए एम इक्वल टू एम बी, ये बच्चों क्या है? गिवन है। दूसरी कंडीशन एंगल पी ए एम इक्वल टू 90, तो इसमें भी एंगल क्यू बी एम इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरी कंडीशन ये एंगल ए एम पी एंड एंगल बी बी एम क्यू, ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, एंगल साइड एंगल से। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो वी से गए सी पी एम इक्वल टू क्यू एम। क्लियर? यस सर। यही प्रूव करना था। ठीक है, हैं? यस सर। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? वी नो दैट, वी नो दैट ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। क्लियर? तो एंगल PAB इक्वल टू एंगल ABC कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद हम ले लेंगे इन ट्रेंगल, पूरा लिख दो उसमें क्या है और कौन सा बन रहा है एंगल BCD और एंगल BCD CDA कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का, है ना? अब हम ट्रेंगल ले लेंगे इन ट्रेंगल APM एंड ट्रेंगल BQM। क्लियर? यस सर। तो AM इक्वल टू क्या है बच्चों? BM। ये गिवन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन PAM इक्वल टू QBM। ईच 90 डिग्री, ये कितने डिग्री के हो गए बच्चों? 90 डिग्री के। क्लियर? यस सर। दूसरी कंडीशन AMP इक्वल टू हो जाएगा BMQ। ये क्या है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां लिख दे रहे हैं VERTI वर्टिकली
अपोजिट अपोजिट एंगल। क्लियर? यस सर। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? ट्रायंगल एपीएम कांग्रेंट ट्रायंगल बीक्यूएम। ये कांजुगेसी किससे हुई? बाई एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कांजुगेंस, रूल ऑफ कांजुगेंस सी ओ एन जी आर यू ई एन सी। क्लियर? यस सर। तो हम कह सकते हैं कि पीएम पीएम देयरफॉर PM इक्वल टू QM। ये किससे कहे बच्चों? CPCT से। ये कहां से निकला? CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांजुगेंट ट्रायंगल्स। क्लियर? यस सर। अब क्या हो जाएगा? प्रूव दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो यहां पर लिख देंगे सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है? हेंस प्रूव्ड नोट कर लिया? यस सर। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। यानी बच्चों एंगल बी जो है एंगल ए ई के इक्वल है एंड बी डी इक्वल टू सी। यानी बी डी की लेंथ जो है सी के लेंथ के इक्वल है एंड एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। एंगल वन जो है एंगल टू के भी इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी। क्लियर? यस सर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखिए। गिवन है बी डी इक्वल टू सी ई। BD इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों? सी के। अब DC जो है BD जो है CE के इक्वल है। अगर हम DC को दोनों साइड ऐड कर देते हैं तो BC फाइंड हो जाएगा और ED फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ये हम करेंगे एडिंग। यहां आप लिखेंगे एडिंग DC both side we get, ऐड कर देते हैं बच्चों बी डी प्लस डी सी फिर डी सी प्लस सी। तो ऐड करने पे बी डी और डी सी ऐड होंगे तो बच्चों यहां पे आ जाएगा बी सी और यहां पर ईसी। ठीक है? ईडी ऐड होगा तो ईडी आ जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यस सर। अब इसी प्रकार आल्सो, अब देखिए बच्चों एंगल वन, ये हम कुछ नहीं कह रहे, ये गिवन है। इसी प्रकार एंगल वन जो है एंगल टू, ये बच्चों क्या है? ये भी गिवन है। अगर इसमें एंगल
डी ए सी दोनों साइड ऐड कर दें। अब इसमें हम क्या करेंगे, एंगल डी ए सी एडिंग, एंगल डी ए सी एडिंग बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट। ठीक है बच्चों, तो एंगल जब ऐड करेंगे तो एंगल वन प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल टू प्लस एंगल डी ए सी जब ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलकर के एंगल हो जाएगा बच्चों क्या, बी ए सी, और एंगल टू और ये मिलकर के हो जाएगा ई ए डी। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? यस सर। अब हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, पहला कौन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी वी है। ठीक है बच्चों, तो एंगल बी, एंगल बी जो है ऑलरेडी एंगल ई, ये क्या है बच्चों, गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? यस सर। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, है बी ए सी ई ए डी प्रूव्ड। सेकेंड यानी सेकेंड से हम इसको प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब बच्चों बी सी जो है ई डी के भी प्रूव कर चुके हैं, यहां लिख देंगे बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ई डी, है ना, ये भी प्रूव्ड फर्स्ट, यहां पर हमने लिख दिया प्रूव्ड फर्स्ट। क्लियर? यस सर। इसके बाद हम यहां लगा देंगे बच्चों, यानी ये ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए ई डी। क्लियर? यस सर। किससे आया, बाई एंगल एंगल साइड रूल ऑफ कांग्रुएंस। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन है, समझ में आया? यस सर। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर, एडी इज एन अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलीज ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी इक्वल टू एसी सो दैट एडी बाइसेक्ट गिवन साइड बीसी एंड एडी बाइसेक्ट एंगल ए, ये बाइसेक्ट लिखा है। ठीक है बच्चों? यस सर। ये है आइसोसेलीज ट्रायंगल है, यानी ए बी जो है ए सी के इक्वल है।
अब देखिए जब एडी बाइसेक कर रहा है एंगल, इसमें क्या क्या गिवन है पहले देख लीजिए। इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए डी बी इक्वल एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी इज या एडी परपेंडिकुलर बी सी, ये क्या है गिवन है, क्लियर? यस सर। अब उसके बाद देखिए बच्चों, ये 90 डिग्री हम दो ट्रेंगल लेंगे, फर्स्ट ट्रेंगल ए ए बी डी और दूसरा ट्रेंगल लेंगे ए सी डी, ये 90 तो ये भी क्या हो गया 90, ठीक है, और साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी। तीसरी कंडीशन एडी इज द ऑलरेडी कॉमन बोथ ट्रेंगल्स, दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों कांग्रुएंट। फिर हम कह सकते हैं वी से दैट बी डी इक्वल टू डी सी, सी पी सी टी से करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रेंगल से, सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, क्लियर? यस सर। एडी बाइसेक्ट साइड्स बी सी हम कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन जब ये कांग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी, बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के, ठीक है, तो इक्वल हो गए, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रेंगल ए, तो एडी बाइसेक्ट एंगल ए प्रूफ हो जाएगा, क्लियर? यस सर। तो पहले हम बच्चों लिखेंगे गिवन, गिवन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलीज ट्रेंगल, आइसोसेलीज सी आइसोसेलीज ट्रेंगल, आइसोसेलीज ट्रेंगल, ठीक है, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है गिवन है, एंड ए डी परपेंडिकुलर साइड बी सी, ये बच्चों क्या है गिवन है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी, क्लियर? यस सर। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये बच्चों कितना है ईच 90 डिग्री, ये गिवन है, क्यों, एस ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इसलिए, क्लियर? यस सर। दूसरी कंडीशन ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है बच्चों गिवन है, क्लियर? यस सर। तीसरी कंडीशन ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इज द ऑलरेडी कॉमन बोथ ट्रेंगल, ये क्या है कॉमन है, क्लियर बच्चों? यस सर। तो ये दोनों ट्रेंगल राइट हैंड साइड से कांजुरेंट हो गए, ट्रेंगल ए डी बी कांग्रुएंट ट्रेंगल ए डी सी, ये आया बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल ऑफ कांग्रुएंस सी ओ एन जी आर यू एन सी, क्लियर बच्चों? यस सर।
समझ में आया? यानी ये देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी दो राइट एंगल बन रहे हैं। ए बी हाइपोटेन्यूज, ए सी हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया, और साइड ए डी इज द ऑलरेडी कॉमन बोथ ट्रायंगल, यानी राइट हैंड साइड रूल ऑफ कॉन्जुरेंस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि बी डी, बी डी इक्वल टू डी सी। ये कैसे आया बच्चों? सी पी सी टी से। ठीक है, yes, तो ए डी बाई से टॉन, तो पहला ये प्रूफ हो गया, पहला पार्ट। अब दूसरा कह रहा है, तो हम दिखा सकते हैं दूसरी कंडीशन में एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये बच्चों कैसे? सीपी सी टी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रेंगल से। ये भी प्रूफ हो गया, एडी बाई से ट्रेंगल। यहां पर लिख देंगे सो, ये दूसरा वाला पार्ट था, सो ए सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी आई एस ई सी टी वन। This is the bisector of angle A. Hence proved. बिठा दें? Yes sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू सी डी एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, प्रूव दैट ए सी इक्वल टू सी डी, ए सी इक्वल टू सी डी, ए सी इक्वल टू होना चाहिए बी डी होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए बच्चों? बी डी, सी डी नहीं होगा, ये ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी एंड बी ई, बी ई इक्वल टू सी ई, ये प्रूव करना है। तो पहली कंडीशन हम ट्रेंगल लेंगे बच्चों ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी सी बी। क्लियर? ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू डी सी, ऑलरेडी क्या है ये गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी ये गिवन है। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन एंगल बी और एंगल सी भी क्या है? गिवन है। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये भी क्या है? गिवन है। तीसरी कंडीशन बी सी इज द ऑलरेडी कॉमन कॉमन, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। आइए पहले फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी सी बी, ए बी इक्वल टू डी सी, ये बच्चों क्या है? गिवन है। दूसरी कंडीशन एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये क्या है? गिवन है। ठीक है, और बी सी इज द ऑलरेडी कॉमन, बी सी जो है दोनों ट्रेंगल्स में क्या है बच्चों? कॉमन है। क्लियर? यस सर।
इतना क्लियर? तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? प्रिय बच्चों दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल है। ऑर्डर से लिखेंगे डी सी बी, ये किससे कांग्रुएंट हुए? साइड एंगल रूल ऑफ कांजुरेंस। क्लियर है? यस सर। तो हम कह सकते हैं अगले स्टेप में इंप्लाइज दैट ए सी इक्वल टू बी डी। ये कहां से निकला? सीपीसीटी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांजुरेंट ट्रायंगल्स। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों आल्सो एंगल बीएसी इक्वल टू किसके हो जाएगा? सीडीबी, एंगल सीडीबी। क्यों? क्योंकि इसको हमने प्रूव कर चुके हैं, बीएसी इक्वल टू एंगल सीडीबी प्रूव्ड अबव। क्लियर? यस सर। एंगल बी ए सी सी डी बी, ये भी किससे निकला? सी पी सी टी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांजुरेंट एंगल। ठीक है बच्चों, ये वाला पूरा पोर्शन। बिठा दे बच्चों। यस सर। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल एईबी एंड डीसीई। क्लियर बच्चों? यस सर। तो पहली कंडीशन बी ए ई इक्वल टू एफ डी सी प्रूव्ड एबव, इसको प्रूव कर चुके हैं प्रूव्ड एबव, इसके पहले प्रूव किया जा चुका है। दूसरी कंडीशन ए ई बी इक्वल टू डीईसी, ये कौन से एंगल है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों? यस सर। अब तीसरी कंडीशन एबी इक्वल टू डीसी, ये क्या है? गिवेन है। ये गिवेन है, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए? कांग्रुएंट। ठीक है? यस सर। एंगल एंगल साइड रूल ऑफ कांग्रुएंसी से लिखेंगे ट्रायंगल ए ई बी कांजुरेंस ट्रायंगल डी सी ई एंगल एंगल साइड रूल ऑफ कांजुरेंस
सी ओ एन जी आर यू ई एन सी। क्लियर? यस सर। जब कॉन्जुनेंट हो गए तो हम कह सकते हैं बच्चों कि बी ई जो है सी के इक्वल है। कैसे? सी पी सी टी से, क्रॉसबाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुनेंट ट्रायंगल से। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। समझ में आया ना? यस सर। देखिए कुछ नहीं है इसमें, क्या है कि हमने ए ई बी एक ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल ए ए ई बी लिया। अच्छा, तो डी ई ऑर्डर में करते हैं, तो डी ई सी लेंगे। जिस ऑर्डर में हमने इसको लिया है बच्चों ए ई बी, उसी ऑर्डर में हम इसको भी लेंगे डी ई सी। क्लियर? तो यहां पर बी ए सी, बी ए ई, यानी ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरी कंडीशन, ए बी इक्वल टू डी सी, ये क्या है बच्चों? गिवन है। ठीक है, यहां पर भी ऑर्डर हम सही कर लेते हैं, डी ई सी कर लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। एंगल एंगल साइड रूल ऑफ, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस से हम कह सकते हैं बी इक्वल टू सी ई, सी पी सी टी से। ठीक है? यस सर। हेंस प्रूफ। मिटा दें? यस सर।